Joining me today is an amazing content creator from Pakistan. He has more than a million subscribers. Assalamualaikum, hum aaye hue hain Karadar Pav Bhaji wale ke paas Pariya Street par aur ye yahan par bada mashhoor Pav Bhaji wala police chowki ke kareeb hai Karadar. To aapko yahan ki game dikhate hain ki yahan par kya kya milta hai. Pav Bhaji milti hai waise to aur kis tarah banti hai wo aapko dikhate hain. Joining me today is an amazing content creator from Pakistan. He has more than million subscribers on his YouTube. जैसा कि आपको पता है माया में पाव भाजी वाले के पास कारादर मशहूर पाव भाजी वाला है पारिया स्ट्रीट पर. आपको दिखाते हैं किस तरह पाव भाजी बनती है. तो भाई बना था दिखाएंगे. भजन ये क्या है? ये पाव है. सबसे पहले पाव आ गई जी. इसमें फिर अभी मैं लगा दो मसाला. इसका मसाला डालने स्पेशल मसाला. ये स्पेशल मसाला ऑयल है, धनिया पाउडर है और इसमें पाव भाजी के मसाले और इसमें बटर. मतलब आपकी जो सीक्रेट रेसिपी पाव लगते हैं भाई. मेरे ऊपर से उन्होंने मसाला डाल दिया. पाव लगते हैं. वैसे ये इंडियन डिश है. मेन ये इंडियन डिश है जो कराची में मिलती है. क्योंकि कारादर एक रिवायती इलाका है तो यहाँ पर ये डिश मिलती है और ये पाव भाजी कहलाती है. तो आपको दिखाते हैं इसकी ये हमारे पाव ज़रा मसाला वसाला लगाकर रेडी किए. अब ये जो डालने की चीज़ क्या है भाई? ये भाजी है. ये भाजी जैसी वो भाजी के हो उसको खाओगे. ठीक है. ये भाजी ये भाजी मिक्स सब्जी है. बेसिकली ये मिक्स सब्जी होती है. भाजी जो होती है वो मिक्स सब्जी की होती है. तो ये मिक्स सब्जी है मक्खन में बनी हुई. इसको अभी मैं इधर मक्खन में फ्राई करूंगा. पाव भाजी के लिए प्लेट तैयार होती है वो ये कर रहे हैं. वो आपको दिखाएंगे किस तरह तैयार होती है. चटनी आ गई जी. चटनी धनिया पुदीने धनिया पुदीने की चटनी है. ये प्याज आ गई जी. प्याज आ गई और मक्खन दिखाता हूँ. ये भाजी है बेसिकली वहाँ रेडी हो गई हमारी. भाई ये भाजी रेडी हो गई. इन्होंने निकाल दिए और ये हमारी प्लेट रेडी हो रही है और ये पाव आ गए और ये मक्खन आ गया. ये एंड हो गया मतलब. तो आपको दिखाते हैं इसको ट्राई करके कैसी है और फिर से आपको रिव्यू करवाते हैं. ये हो गई भाई पाव भाजी तैयार. तो भाई है ना हमारे मुझे कारादर पे मशहूर पाव भाजी वाले के पास. ये बेसिकली इंडियन डिश है. आपको इसका रिव्यू करके बताता हूँ किस तरीके की है और क्या है इसका टेस्ट. ये पाव है और ये भाजी आ गई. थोड़ा मक्खन वगैरह का भी तड़का लगा है. चटनी अच्छा की चटनी होगा. अपना टेस्ट है बहुत नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है. और जो ये मक्खन का तड़का लगा है ना इसका भी अपना टेस्ट है. और प्याज प्याज के साथ अच्छी चीज़ है और स्ट्रीट फूड है. जरूर ट्राई करें. इंडियन कुजीन है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें. फिर किसी अगले ब्लॉग में मिलता है. थैंक यू.